हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो देख रहे हैं आपकी। कौन सी ये आपकी वीडियो पढ़ने वाली है? वर्णमाला यानी कि व्यंजन के ऊपर, क्योंकि स्वरों के ऊपर हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने देख भी ली होंगी और व्यंजन पूरी तरीके से याद हो गए होंगे, तो शायद आपको पूरा तरीके से याद होगा। कखा गंगा चचा जजैया, इस तरह से आपने कंप्लीट गया तक प्लान कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के बेस पे देखते हैं आगे इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि आप सोचो को उसको बहुत ज़्यादा समझना है। अगर सारा चीज़ सारा समझने वाला दिमाग आप इसी में खर्च कर देंगे तो फिर आप मैथ और एप्टीट्यूड के लिए क्या छोड़ेंगे, सॉरी क्वान्टिटिव और रीजनिंग के लिए क्या छोड़ेंगे। तो आप हिंदी को एज ए क्वेश्चन आंसर देखिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वो याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दो। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार। अब जो है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैं स्वर पढ़ा रहा था, तो भी मैंने बताया था कि जो है हमारे जो भी वर्ग होते हैं वो पहले लेटर से डिनोट होते हैं। जैसे कि का खा गा गंगा वाला जो वर्ग है वो का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? का वर्ग। ठीक है, इसी तरह चा वर्ग में क्या आता है? चा छा जा झा या। और मैंने बताया था जो शुद्ध रूप होता है उसमें नीचे क्या होता है? हलंत लगी होती है। हलंत जैसे इसमें लगा हुआ है, का के नीचे हल्की सी हलंत लगी है, खा के नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। का वर्ग की ध्वनियाँ बोला गया है। ठीक है, ध्वनियाँ का मतलब ध्वनियाँ हमेशा शुद्ध रूप में रहेंगी, पर जो व्यंजन है हमारे, व्यंजन शुद्ध रूप में नहीं रहते, वो होते हैं का प्लस आ, जो कि हम लोग संधि में देखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट का अगर आप बोलते, अगर आप बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, का अगर बोल रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए का को और मतलब लंबा खींचेंगे, का अगर ऐसे बोलेंगे तो थोड़ी देर बाद अगर आप महसूस करेंगे ज़्यादा लंबा खींचने पे का, तो अगर कोई बीच से सुन रहा होगा तो उसे यही समझ में आएगा कि आप आ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये का और आ दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, का प्लस आ, जिस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये व्यंजन बनता है, ठीक है, तब ये का प्लस आ होता है, तो ये शुद्ध रूप में नहीं होता है। जो शुद्ध का होता है वो ध्वनि होती है, किस चीज़ की? का की, जिसको हम हलन से डिनोट करते हैं। तो अगर इस ध्वनि को बोलेंगे तो ये केवल अगर ऐसे ही लिखा जाता तो हम इसे स्वर बोलते हैं, क्योंकि इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती, किसी और लेटर की ज़रूरत ना पड़ती। पर जो का व्यंजन है उसको आ की ज़रूरत पड़ रही है प्रोनंसिएट करने के लिए, तो इसलिए हम इसे व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, चा वर्ग है आपका, टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं, ता वर्ग की ध्वनियाँ हैं, पा वर्ग की ध्वनियाँ हैं, पा फा बा भा मा और अंतस्थ व्यंजन। अब चलिए आगे देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, या रा ला वा। अब इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिए, पा वर्ग तक तो पा वर्ग ही होता है, लेकिन या वर्ग नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, केवल आपके कौन से पाँच ही वर्ग होते, का चा टा ता पा। ठीक है, अगर ये ठीक से लगा होता तो इसे हम कटप्पा बोल सकते थे, लेकिन इसमें कचट तप्पा ऐसे करके कुछ आप समझेंगे तो कटप्पा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कचट तप्पा, ठीक है, तो कचट तप्पा आप इसे समझ सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो है आपके, अगली बार जो मतलब पाफा बाभामा के बाद जो हमारी लाइन होती है यारा लावा शाह, मतलब यारा लावा तक की आपकी, तो वो कौन सी होती है? अंतस्थ व्यंजन की, जिसमें कि अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन कौन से हैं आपके? या और वा। अर्धस्वर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको आप देख सकते हैं हलंत का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसे हम अर्धस्वर बोल सकते हैं। और लुंठित व्यंजन है रा और ला। लुंठित व्यंजन कौन से? रा और ला। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। उसमें संघर्षी व्यंजन कौन सा है? उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है सा शा हा, तीनों सा और हा। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? रा और ढा। ठीक है, अघोष व्यंजन। अब जो देखिए, ये जो आपका है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग में का खा गा घा अंगा होता है। तो आप ये देखिए, का पहला हुआ और द्वितीय का मतलब खा, का और खा क्या हो गए? अघोष व्यंजन हो गए। ऐसे चा और छा क्या हो गए? अघोष व्यंजन हो गए। टा और ठा क्या हो गए? अघोष व्यंजन हो गए। तो मतलब पहले जो दो लेटर होंगे इनिशियल में हर वर्ग में, हर ग्रुप में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होंगे? तृतीय चतुर्थ पंचम, मतलब थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर और फिफ्थ लेटर हर वर्ग में। ठीक है, और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल भी दिए गए हैं, जैसे कि अघोष व्यंजन में फा सा शा और सा, ये जो है क्या, ये भी जो है अघोष व्यंजन में आएगा। और उसी तरह सघोष व्यंजन में जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं आपके ड़ा ढा ज या रा ला वा हा, सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है,
मतलब कि ये जो बाकी के लिखे हैं ये क्या है, स्वर सघोष है, और ऊपर वाले क्या है, सघोष व्यंजन है, ठीक है, अलग अलग बताया गया है। अब अल्प पे अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम, ठीक है, प्रथम तृतीय पंचम और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, देखिए अभी ऊपर जो बताया गया था या रा ला वा, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं आपके अल्प प्राण, ठीक। उसके बाद महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण। अब जो ऊष्म वर्ण अभी हम लोगों ने पहले बताया था, ठीक है, ऊष्म संघर्षी शा 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 हा, तो ये कौन से हैं, ये आपके महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग सॉरी प्रथम और द्वितीय सॉरी द्वितीय और चतुर्थ सॉरी प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण जो है, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण जो है और ऊष्म वर्ण जो है, ये सारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण व्यंजन हो गया। नासिक के व्यंजन तो आपको समझ में आया, नाक से बोलना है, ठीक है, कंठ का मतलब गले से बोलना है, नीलकंठ बोलते हैं ना, तो उसका गला ही नीला होता है, गर्दन जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली, तो कंठ, ठीक। तो देखिए नासिक व्यंजन कौन से होंगे, अंगा इया अड़ा न मा। तो जब ऐसे जब हलंत लगा होता है तो एक बात याद रखिएगा, आपको बहुत शॉर्ट बोलना है, अड़ा न मा, ठीक है। और जब जो है आपको सिंपल व्यंजन पूछा जाए तो आप कैसे बोलेंगे, का खा गा, थोड़ा ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और जब केवल आपको ध्वनि पूछा जाए का की, तो कैसे बोलेंगे, का खा गा घा अंगा, मतलब थोड़ा छोटा छोटा बोले के, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कंठ व्यंजन कौन से, का खा गा घा अंगा, ठीक है, काफ़ी ऐसे राइमिंग बना सकते हैं आप और एक गाना भी लिख सकते हैं इस पर आप, ठीक है, का खा गा अंगा गा बाबा, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से, चा छ ज झ इ श और य, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है, कौन से, ट ठ ड ढ ड ड और श, ठीक है, षटकोण वाला सा, ठीक है। दंत व्यंजन है, कौन से, त थ द धन्ना और फिर ओष्ठ व्यंजन प फ भ भमा। आप देखिए इन व्यंजनों की खास बात क्या है, चा छ ज, जब आप ये सारे वर्ड बोल रहे हैं चा छा जा झा इया शा या, तो आप देखिएगा कि आपकी जीभ का जो अपर पार्ट है वो आपके तालू में छू रहा है, मतलब ऊपर की छत पे छू रहा है, ऊपर की छत मतलब आपके घर की छत नहीं, आपके मुंह के में अंदर ऊपर जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो, ठीक है, तो वो ऊपर जाके टच करता है स्किन से, तो उसको हम तालव्य बोलते हैं या तालू बोल सकते हैं। मूर्धन्य टा ठा डा, मतलब इसमें आपकी जो है ये जितने भी टा ठा डा ढा डा वाले हैं, तो आप खुद बोल के देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपकी टंग को फोल्ड करते हैं, मतलब जब आप टंग को फोल्ड करते हैं तब आप बोल पाते, देखिए टा ठा डा ढा, तो उल्टी तरीके से जो है ये टच कर रहा है, तो आप इस तरीके से एक एक का ग्रुप बना सकते हैं। दंत व्यंजन, तो इसमें दांत का यूज होगा, ता था दा धा ना, तो मतलब बगैर दांत का यूज किया आप इसे नहीं बोल सकते हैं। ओष्ठ व्यंजन, अब इसको देखिए, पा फा बा भा मा, इसमें आपके होंठों का यूज हो रहा है, ठीक है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों से बोले जाने वाले, वाह वाह वाह, ठीक है, वाह, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। स्वर यंत्रीय व्यंजन, हा मतलब इसमें आपका कुछ नहीं यूज हो रहा है, हा आप जो है केवल जो है हवा भी बाहर निकालेंगे तो भी आपका बन जाएगा काम, ओके, मतलब मुंह से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक टेबल बनी हुई है व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण का स्थान, तो साइड में उच्चारण के स्थान दिए गए हैं, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, इस तरीके से आप तालव्य मूर्धन्य दंत जिनका हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है, वो लिखा है अघोष, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण नासिक, ये पाँच हमारे ग्रुप बटे हुए पाँच जो है हमारे टेबल में जो एक तरह से कॉलम है, तो आप उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं और एक साथ सारे को देख सकते हैं सबको, ठीक है। तो इसके अलावा ये आधी टेबल है, दूसरी भी दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है, इसमें आपका क्या बाकी के बचे हुए जो लेटर है वो, और नीचे आपको दिख रहा होगा आगत ग्रहित ध्वनियाँ का स्पर्शी खा गा ज फ, जिसके नीचे क्या होता है वो नज़ाकत वाला डॉट होता है, ठीक है। अयोग व अनुस्वार विसर्ग, इनका साइन क्या होता है वो जो दिखाया गया, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत गिने चुने क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, तो जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने बता दिए। अब चलिए देखते हैं एक शॉर्ट टर्म में कितने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं।
देखिए ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? तो ये आपको पता है 52। 6 वर्ड किसके योग से बना है? तो ये याद रखिएगा कि ये का मतलब शुद्ध का और शुद्ध शाह के योग से बना है, सात षटकोण वाला, ठीक है। और कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अगर आप ऐसे किसी में फंस जाइएगा क्वेश्चन में तो आप सिंपली उसको बोल के देख लीजिएगा कि कौन से वर्ड में आपको दांत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। टा 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 में नहीं करना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअल में मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर डायरेक्टली बताया गया है, ठीक है। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ है, ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकते, ये हम लोग को पता है कि वर्ड कहते हैं उसे। हिंदी वर्ड माला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का खा, ठीक। ए ए वर्ड क्या कहलाते? कंठ तालव्य। अयोग वह वर्ड कौन से हैं? अंगा और अहा। अघोष वर्ड कौन सा है? तो ये है आपका सा, महाप्राण, ठीक है। हिंदी की शा ध्वनि है तालव्य, जिसे हम अघोष महाप्राण ग्रुप में डालते, ठीक है। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? अभी हम लोगों ने देखा था कि अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इसी से ही ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसके बाहर के अगर आपके किस्मत ख़राब हुई तो एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस चैप्टर से इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आपको इसी को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये चैप्टर तो आपका जो बेसिक वाला होता है वो तो क्लियर है, आगे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, ये सारी चीज़ें भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।